का शुक्रिया करता मेरी सांस यहोवा है। उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वो जुआ तोड़ डाला जाएगा। देखो क्या लिखा, उस समय ऐसा होगा। किस समय? अरे कितने लोग चाहते हैं कि आपके शरीर से, आपके बिजनेस से, आपके बच्चों से करे के जो बंधन पड़ा है आपके शरीर के ऊपर, आपके लीवर के ऊपर, हार्ट के ऊपर, वो बंधन आपकी गर्दन के ऊपर से वो जादू टोना तोड़ दिया जाए। कितने लोग चाहते हैं? लेकिन लिखा यहाँ पर करे उस समय ऐसा होगा। किस समय? करे जब तुम इकट्ठे होकर प्रार्थना करोगे। उस समय ऐसा होगा जब तुम बाइबल पढ़ोगे। उस समय ऐसा होगा जब तुम उपवास प्रार्थना करोगे। उस समय ऐसा होगा। एक जगह लिखा भजन संहिता के 32:6 में क्लियर लिखा वहां पर, करा हर एक भक्त जन ऐसे समय में मेरे पास आए जबकि मैं उसको मिल सकता हूँ। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर के मिलने का एक टाइम है। बोलो हालेलुया। टाइम था लेकिन यीशु मसीह के आने के बाद परमेश्वर ने कहा कोई भी मुझे पा सकता है किसी भी समय में। लेकिन ज्यादातर जो अभिषिक्त लोगों ने परमेश्वर को पाया है वो 2 से 4 के बीच में पाया है। आप समझ रहे हैं? तो अगर आप परमेश्वर को पाना चाहते हैं, इस प्रोफेट बजिंदर ने प्रभु यीशु मसीह के जब दर्शन किए वो समय 2 से 4 का था। हालेलुया। उसने कहा उस समय ऐसा होगा। किस समय? कह रहा जब आप कंगाली में होंगे, जब आप बीमारी में होंगे, जब आप कर्जे में होंगे, जब आप परेशानी में होंगे, तो कह रहे उस समय ऐसा होगा आपके गर्दन पर रखा हुआ जुआ शैतान का तोड़ दिया जाएगा। आमीन। कह रहा तोड़ दिया जाएगा, टूट जाएगा आज। क्योंकि आप चमत्कार को लेने वाले हो 5 मिनट के अंदर। यस आमीन। मैं फिर कह रहा हूं आप चमत्कार को लेकर जाओगे। कितने लोग चमत्कार लेना चाहते हैं? क्या आप दूसरों से प्रेयर कराना चाहते हैं? ताकत तभी चाहते हैं आप चाहते हैं। मैं कह रहा हूं मसीहत में बंधन तोड़ने वाला पास्टर बजिंदर नहीं, परमेश्वर यहोवा जोरावर है। हालेलुया। yes, हालेलुया। वो बंधन तोड़ रहा है। मैंने सिर्फ भक्ति की है और उसने मुझे चमत्कार करने की शक्ति दे दी है। अगर आप मेरे जैसी भक्ति करें आज चमत्कार आपके अंदर आएगा। यीशु मसीह के नाम में वो पावर आपके अंदर आएगी।